आज दे इस पवित्र दिहाड़े ते मौजूद सारिया संगतां शोभा यात्रा दी शोभा वधाउण लई दूरों दूरों पहुंचे हुए सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे सब तो पहला मेरे वल्लों सारिआं नूं इत्थे जियायां नूं तुहाडा चलिआ होइआ कदम एक एक कदम साडे सिर मत्थे और मेरे वल्लों सारिआं नूं नमस्कार सत श्री अकाल जय गुरु रविदास। वीरो मैनू उस वेले बड़ा दुख होंदा है जदों हर जगह ते मैं जाना ते कहा जांदा है कि पहली बार कोई आया है। मैनू दुख होंदा है कि तू पहला वाले क्यों नहीं आए, ना किसे शहीदां दे जन्मदिन ते जां बरसी ते गए, ना किसे गरीबां दे किसे गुरधामां ते गए, ना किसे पीरां फकीरां दी जगह ते गए, ना किते लोकां दी आस्था दे मुताबक संत जां गुरु रविदास वर्गे ओ लोक जिहड़े मानता दा सुनेहा देणगे ने उहनां दी किसे शोभा यात्रा च आए, फिर रहे किथे? इसे करके ही ओह हुण उत्थे ने जिथे रहिंदे सी, लोकां ने उहनां नूं उत्थे बिठाता। अज 646वां प्रगट दिवस मना रहे हैं श्री गुरु रविदास जी का, जिस वेले वाराणसी की धरती ते ये चन्न चढ़िया सी चानण मुनारा लैके, उस वेले समाज दे विच जात पात ऊंच नीच का बहुत ताना उलझिया होया सी, जकड़िया होया सी समाज। तां श्री गुरु रविदास जी ने दबे कुचले लोगों को अणख नाल और अपने सैल्फ कॉन्फिडेंस नाल जीवन का सुनेहा दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी च जिन्नी भी बाणी श्री गुरु रविदास जी की है वह सारी मानवता का सुनेहा दिंदी है, कोई ढिड भुखा ना रहे इस गल का सुनेहा दिंदी है, सारे एको ही ने इस गल का सुनेहा दिंदी है। हजे वह संगल सारे खुले नहीं, हजे भी बहुत सारा असी जगह जगह तो सुनते हैं कि ऊंच नीच रखी जाती है, परमात्मा वालों कोई ऊंच नीच नहीं। सो जदों साड़ी सरकार बनी, आम तौर पर सरकार बन सार सरकारी दफ्तर च फोटो बदल जांदियां ने, पुराने मुख्यमंत्री दी ला के नवे मुख्यमंत्री दी लग जाती है, पर असीं पहले दिन ही ऑर्डर किया भगवंत मान की फोटो नहीं लगेगी। इत्थे शहीद भगत सिंह ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की फोटो लगेगी, एक ने आजादी लैके दिती, एक ने आजादी तो बाद सानू समझ दिती कि सारे बराबर सारे नू कठिया नू उपर उठना पऊगा, किसी एक नू दब के दूजे नू उपर चक के नहीं कर सकते, अपनी लकीर वड्डी करो दूजे की लकीर छोटी ना करो। ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੰਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੱਠੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੰਨੋ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਠੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ? ਗਰੀਬ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ
महीनों बाद पंजाब दे विच तुहाडे कोले ऑप्शन होगी कि तुसी बच्चा प्राइवेट स्कूल च पढ़ाउणा है जां सरकारी च पढ़ाउणा है, मर्जी थोड़ी है। पढ़ाई का लेवल इको जिहा है पर उधर फीस लगती है, इधर फीस भी नहीं लगती। जिवें दिल्ली दे विच होया झुग्गी झोपड़ियां दा बच्चा एक रेलवे ब्रिज दे थल्ले रेहड़ी ला के प्रेस करन वाले दा बच्चा ते एक जज दा बच्चा इको बेंच ते पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल जी ने इको बेंच ते बैठ के। नहीं पहला की होंदा सी, अमीरां दीआं किताबां ही होर ने, सानू किताबां ही नहीं मिलदियां उह जिहड़ियां अफसर पढ़ाउंदियां ने, उहनां दे स्कूल ही होर ने, सानू स्कूल ही नहीं मिलदे उह जिहड़े अफसर पढ़ाउंदे ने, उहनां दे टीचर होर ने। साडे टीचरां कोले भी बहुत सारी पोटेंशियल हैगी है पर मौका ही नहीं मिलता। सो असी हुण साडे टीचरां नूं ट्रेनिंग दवावांगे अज दे पढ़ाई दे लेटेस्ट तरीके नाल। एक गल मैं तुहानूं कह दिंदा, मीडिया सारा जलंधर दा खड़ा है, कोई सरकार वोटां वेले आके कहे असी थोड़ी गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी चो बाहर कढ लेंगे, सब झूठ बोलते ने। जे गरीबी हटा सकते हैं तो इन्हां दे बच्चे हटा सकते हैं, जे वह पढ़ लिख जाण, पढ़ के अफसर बन जाण तां उह गरीबी हटेगी। बड़े माण नाल कहिंदे आ साडे नेता कि असी 80 करोड़ लोकां नूं चावल ते आटा ते दाल दिंदे आ, माण नाल कहिंदे आ। इहदा मतलब तुसीं इह मन्नदे हो 125-30 करोड़ चों 80 करोड़ तां आटा कमाउण जोगे वी नहीं छड्डे तुसीं। ओ सानूं कम्म दे दो बई, सानूं रोजगार दे दो, सानू भिखारी ना बनाओ। असी पंजाब दे नौजवानां नू, पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां नू नौकरियां मंगण वाले नहीं, नौकरियां वंडण वाले बनावांगे, नौकरियां वंडण वाले। सो चरण छो प्राप्त धरती है श्री गुरु रविदास जी दी, उन्हां दी बाणी दे विचों जे आपां दो श्लोक भी पढ़ लिए उहदे ते अर्थ करन लग जाइए तां भी कई किताबां लिखियां जाणगियां। एडे वड्डे बंदे सी, क्या सोच सी उहनां दी उदों उस वेले ते, क्योंकि उहनां दी लेव परमात्मा नाल लगी हुई सी, इस करके वड्डे वड्डे जिहड़े अपने आप नूं कहाउंदे सी उच्चियां जातियां वाले डंडौतां करदे उहनां दे पैरां दे विच आ के डिगदे हुंदे सी डंडौतां करदे। इह लेव लगण दी गल है जी, ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਲੌਰ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। भगत सिंह जी की उम्र 23 साल सी, 23 साल की उम्र च बच्चे अजकल दे नौजवान मुंडे अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, बापू मैंने मोटरसाइकिल लेके दे, ते भगत सिंह जी 23 साल की उम्र च अंग्रेजा तो मुल्क मंगते सी, साडा मुल्क दे ओ सानू। सो आदमी बड़ा सालों से नहीं, ख्यालों से होता है। गुरु नानक साहब ने अज तो लगभग 550 साल पहला, 500 साल पहला लिखता होगा कि पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत्, पवन हवा, हवा नु गुरु का दर्जा, पानी नु पिता का दर्जा, धरती नु माता का दर्जा। क्या तिने चीजा संभाल लियो, जिस वेले गुरु साहब ने यह बाणी उचरी होगी
उस वेले तां कोई फैक्टरी नहीं करती होनी धूआं, उस वेले तां कोई फैक्टरी पानी नहीं पाउंदी होनी थल्ले धरती च जिहड़ा कैमिकल वाला, उस वेले तां लोक स्प्रेयां भी नहीं करदे होणगे। पर गुरु साहब नूं पता सी कि भाई आह तीन चीज़ां नूं संभाल लिओ तां मनुखता बचूगी। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महा, स्वाज साडी हवा जहरीली होगी, साडा पाणी पीण योग नहीं रहा, साडी धरती जहरीली होगी स्प्रेयां कर करके। सो गुरुआं ने बहुत पहला देख लिया सी कि आने वाला की होने वाला, आप जो उन्होंने पाए हुए पूरनिया से चलीए तो जीवन सफल करन दे विच बहुत मददगार है। आप इस गल तो बहुत खुशकिस्मत हाँ कि साडे कोले बहुत वड्डे खजाने ने, ग्रंथा के रूप च, वेदा के रूप च बहुत वड्डे वड्डे खजाने पए हैं साडे कोले, शब्द गुरु पए हैं साडे कोले। सो अज मैनूं इत्थे आउण दा मौका मिलिया। मैं तो हमेशा जो कॉलेज वेले भी हुंदा सी, मैं उदों भी जिहड़ियां कविता उचारण मुकाबले वगैरह जांदा हुंदा सी, मैं सब तो वध गोल्ड मैडल जिते कविता च, वह कविता जिहड़ी सी संत राम उदासी जी की लिखी हुई सी, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, वह मैं सुनाम कॉलेज वालों गाता। सो साडी सरकार का मकसद भी यही है कि जिहड़े दबे कुचले ने स्कूल नहीं जा सकते, जब जाना नहीं चाहते, जब मजबूरी नहीं जान दिंदी, एक बार उन्होंने स्कूल च लैके आईए। जदों वह स्कूल च आ गए फिर उन्होंने दिल करूगा पढ़न नू, ते जदों वह पढ़ गए तो फिर वह सोच बदल जूगी, तो जो अफसर लग गए तो घर के जिहड़ी गरीबी है उन्होंने चक देंगे, काया पलट कर देंगे। मैं थानू एक बड़ी वधिया गल सुना, बड़ा किस्सा बहुत वधिया। एक मजदूर सी, खेत मजदूर सी, दिहाड़ी करता सी, कई पीढ़ियां तो दिहाड़ियां चलिया आ रही सी। उन्हें सोचा कई पीढ़ियां तो दिहाड़ियां करी जाने, पीढ़ी किवें बदलीए, चलो एक डंग की रोटी घटा दिना, थोड़े जे पैसे बचा लैना, मुंडे नूं पढ़ा लें, बच्चा पढ़ाउण लग गया, वह ढिड बन के गुजारा करन लग गया, आप भुखा त्या रह के भी बच्चा पढ़ा लिया, बच्चा भी बहुत इंटेलीजेंट सी, बच्चा जज बन गया, मुंडा जज बन गया, बहुत खुशी हुई एक मजदूर का बेटा जिहड़ा जज बन गया। तो जदों उन्हें पहले दिन कुर्सी संभालनी सी तां मजदूर नूं खुशी सी मेरा पोता जे कुर्सी ते बैठूगा, वह भी चला गया। जज साहब जिहड़े सी वह अपने चैंबर च बैठे सी, पिछले दरवाजे तो पिता जी आए तो उन्होंने उहदे मोढे ते हथ रख के कहिंदे पुत बहुत बहुत वधाई, वह कहिंदा बापू जी तुहानूं वी वधाई, कहिंदा पुत हुण एक गल दस, इस वक्त भला दस दुनिया ते सब तो वध खुश, सब तो वध खुश नसीब ते सब तो वध ताकतवर बंदा कौन है भाई? वह मुंडा कहिंदा बापू जी मैं हाँ। कहिंदा मैं किसी नूं भी बड़ी कर सकदा, किसी नूं भी मैं सजा दे सकदा। बापू दा थोड़ा जिहा दिल टुट गया, कहिंदा फिर दस दे, उत्थे खड़े खड़े नहीं पुछिया, इस वक्त सब तो वध खुश, सब तो वध खुश नसीब ते सब तो वध ताकतवर कौन बंदा हो दुनिया च? कहिंदा बापू जी मैं हाँ। चलो कहिंदा चंगा जी, बहुत बहुत मुबारकां पुत। जाण लग्या गेट ते जाके फिर थोड़ा जिहा प्यो वाला प्यार जाग गया बाप वाला, वह कहिंदा फिर दस दे, सब तो वध खुश, सब तो वध खुश नसीब, सब तो वध ताकतवर कौन है? वह कहिंदा पिता जी तुसी हो। पिता जी वापस आ गए, कहिंदे 15 सेकिंट पहला मैं 2 बारी पुछया सी इत्थे खड़ के कि सब तो वध खुश नसीब, खुश ते ताकतवर कौन है? तू अपना नाम लिया सी, मैं उत्थे जाके पुछया, तू मेरा नाम ले जाना। वह मुंडा कहिंदा बापू जी जदों तुसी उदों पुछया सी उदों थोड़ा हाथ मेरे मोढे ते सी, जे तुहाडे वर्गे पिता दा हाथ पुत दे मोढे ते होवे उह तों वध खुश नसीब, उह तों वध ताकतवर बंदा कोई हो नहीं सकता। तो जदों तुसी उत्थे जाके पुछया सी गेट ते उदों तुहाडा हाथ मेरे मोढे ते है नहीं सी, उदों फिर तुसी ताकतवर हो। सो साडे कोले श्री गुरु रविदास जी वर्गे, दशमेश पिता वर्गे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे साडे पिता ने जिन्हां दा हाथ साडे मोढे ते होवे, साडे तों वध ताकतवर, साडे तों वध खुश नसीब, साडे तों वध खुश कोई हो ही नहीं सकता जे असीं उहनां नूं उहनां दी सिख्यावां ते चलीए। सो बाकी रही गल जिस तरह शीतल अंगराल जी MLA साहब साढ़े नकोदर तो MLA साहिबा खड़े ने, साढ़े विमन विंग के प्रधान राजविंदर जी ने, साढ़े जलंधर के करतारपुर के MLA साहब खड़े ने, सारे सोढ़ी साहब खड़े ने, रमन अरोड़ा जी ने,
ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋਗੇ ਸਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਾਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਲ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਸੋ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਧਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਟੈਕਸ ਉਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਟੈਕਸ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 100 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਨੇ ਹਜੇ ਹੁਣ 500 ਹੋ ਗਏ 10.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 50 ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 646ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਸਕੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਂ ਬੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਂ ਬੇ ਸੂਰਜਾ
कमियां दे वेड़े। सो मेरे वालों यही अरदास है कि सूरज जिहड़ा तरक्की का वह कमियां दे वेड़े मगदा रहे, सूरज जिहड़ा तरक्की का वह सारिया किरणा जिहड़ियां तंदुरुस्ती वालियां वह सारे पंजाब दे वेड़िया च जिहड़ी है वह किरणा फैलन। मेरे वालों यही उम्मीद है कि आ साल जिहड़ा आपां पंजाब नूं चमकावांगे, क्योंकि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, ते नग थोड़ा जिहा पिछले कई सालों तो फिक्का जिहा पै गया सी, उस नग नूं हुण आपां चमकाउणा है। उहदे वास्ते मैनूं तुहाडे सहयोग की लोड़ पऊगी, कोई भी चीज़ कोई बंदा कल्ला नहीं कर सकता, तुसीं मेरे नाल आओ, मैं इह नहीं कहिंदा मेरे पिछे लगो, मेरे बराबर आओ, आपां सारे मिल के पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए। कैलीफोर्निया लंडन पैरिस बनाउण की लोड़ नहीं, सानूं साडा पंजाब ही वोट दिओ, असीं पंजाब बना लईए। बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत तुहाडा मेहरबानी, इत्थे तुसीं इन्ने टाइम तो खड़े हो। शोभा यात्रा हुण शुरू होगी, सारे ट्रैक्टरां वाले जिन्ने भी वीर ने 150 ट्रालियां कहिंदे उह खड़े ने, ते सारिआं नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत मुबारकबाद है। और सारे जिवें भी तुसीं कहोगे, जिन्ना भी तुसीं जिहड़ी इह पता की है मंदर कमेटी इन्हां तुसीं सानूं बना के दिओ जी लिस्ट, साडे वाला काम यह होंगे जी, साडा जिद्दे जिद्दे लिस्ट आ गई उद्दे थोनू पैसे दे देंगे। और नाल दी नाल तुसीं जे चंडीगढ़ आए तुहाडे जलंधर आउण तों पहलां पैसे अकाउंट च पए होणगे, क्योंकि साडा काम यह है असीं जो कहने आ उह करदे आ, जो कर नहीं सकदे असीं कहिंदे नहीं हैगे। फायदा की होया फिर पंज काम कह के चार किते तां लोक कहणगे पूरे नहीं किते, पहले ही चार कह लो जे कर सकदे हो तां लोक कहणगे 100% कोई चार कह के पंज कर दांगे। हुण बहुत सारे काम इहो जिहे भी ने जिहड़ियां गरंटियां असीं दित्तियां नहीं सी, MLA दीआं पैनशनां कटाउण दी कट्टण दी गरंटी तां नहीं दित्ती सी, पर पाउण साल उह काम करता। ते आ जिहड़े जिहड़े रिश्वतखोर ने जिन्हां ने लुट्टण दा मन बना रखा, गरीबां नूं गरीब ही लुट्टी जांदे आ, आ मंत्री जिहड़े ने उन्हां ने लुट्टे ही आपदे आ, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की ने लुटे है, थोड़े अपने बरादरी ने अपनी बरादरी नूं कौन अपने आपां नूं लुटी जांदे आ। दुख इस गल दा हो रहा है, सोने ते लोहे की दुकान आमो सामने सी बाजार च, सोने ने लोहे नूं कहा थोड़ा तेरे ते भी चलता है थोड़ा मेरे ते भी चलता है, मेरी आवाज सुनी है कदे दुकान तो बाहर, कहिंदा तेरी सारे बाजार च आवाज सुनदी हुंदी जे तेरे थोड़ा वजदा है। तां लोहा कहिंदा बिल्कुल सही गल है तेरी मेरे वीर, सोनिया थोड़ा तेरे ते भी लोहे का चलता है थोड़ा मेरे ते भी चलता है, तेरी आवाज नहीं आती मेरी आवाज आती है, क्योंकि लोहे का थोड़ा तेरे लिए बगाना है, तू सोना वो लोहा है शरीक है, शरीकों ने तो कुटना ही होंगे, शरीकों का काम होर की होंगे, बगानिया तो कुटना ही होंगे। तो कहना मैनू दुख इस गल का, मैनू मेरे अपने कुटते ने, इस करके मैं ज्यादा दर्द होंगे, सानू ज्यादा दुख इस गल का, सानू साढ़े अपने ने लुटे, अंग्रेज नहीं लुटे, अंग्रेज तो आप शर्माते हो भी 200 साल चुना काम नहीं कर सके जिन्हें इंडिया वाले 200 साल कर देंगे, 2 साल लुट लेंगे। ये सारी पंजाब च रिश्वतखोरी, ये लुट कसुट सारी बंद होगी, आम लोगों की खज्जल खुआरी बंद होगी, दफ्तर चुनाव मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और थोड़े काम होंगे और पहले बोलते काम होंगे, यही साड़ी सरकार का मकसद भी है। और नहीं तो सरकार बनाने की है, शोर तो मैं तो पहले ही मशहूर सी बहुत, मैं कहना किसी टीवी पर आने का चा है या कोई किसी अखबार से फोटो छपा का चा है, वह तो मैं नबेड़ी बैठा, पर परमात्मा ने मेरी एक ड्यूटी लाई है कि भाई सेवा करो पंजाब की, तो मैं वो सेवा निभाऊंगा। मैं यही अरदास करदा श्री गुरु रविदास जी अगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे, कि बल बख्शे और बुद्धि बख्शे और इन्ना बल बख्शे कि चंगे फैसले करिए और कोई गलत फैल ते साइन ना हो जाए, इस गल की बुद्धि बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत मेहरबानी।